गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन जळगाव मध्ये सुरू झालंय हॉटेल जायका। बच्चे कंपनी, तरुणाई, मित्र मंडळी, पुरुष आणि बायका सर्वांच्याच पसंतीचं हॉटेल जायका। स्पेशल चिकन, मटन, फिश, वेज, नॉन वेज, स्वादिष्ट भोजनाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी सर्वांच्या पसंतीचं ऐका हॉटेल जायका। फॅमिली रेस्टॉरंट आणि शाकाहारींसाठी वेगळ्या किचनची सोय। हॉटेल जायका, कानोळदा रोड, शिवाजीनगर, जळगाव। हॉटेल जायका, अब मूड को दीजिए थोड़ा तड़का। सर सलामत तो पगड़ी हजार, कहने का अर्थ यह है कि अगर सर पर हेलमेट हो तो आपका सर सलामत होगा, फिर जितनी चाहे पगड़ी आपके सर पर सज सकती है, लेकिन अगर सर नहीं हुआ तो आप पगड़ी लगाएंगे कहाँ। अक्सर देखा गया है कि जब दुर्घटनाएं होती है तो ज्यादातर सर पर चोट लगने की वजह से जान चली जाती है, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए जन जागृति की आवश्यकता पड़ रही है। हालांकि यह कदम तो हर दो पहिया वाहन चलाने वालों को खुद उठाना चाहिए। इसी के मद्देनजर जलगांव आरटीओ दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी श्याम लोही के मार्गदर्शन में एक मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों को हेलमेट से संबंधित जन जागृति करते हुए उन्हें कार्यालय पर हेलमेट लगाकर हमेशा हेलमेट लगाने की शपथ दिलवाई गई। हेलमेट सर्व लोकांनी वापरावा। श्याम लोही के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम के दौरान वहां पर आरटीओ दफ्तर के सभी कर्मचारी और कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आरटीओ दफ्तर में अन्य कार्यों से आए थे। हालांकि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना एक अपराध है और इस अपराध के लिए चालान का भी प्रोविजन है, लेकिन जब चालान काटने जाओ तो लोगों की जेबें कट जाती है और फिर लोग चिल्लाने लगते हैं। अतः अगर आपको चालान से बचना है तो हेलमेट लगाइए, जेब कटने से बचना है तो हेलमेट लगाइए, वरना प्रशासन और आरटीओ विभाग को कोसने से कुछ भी नहीं होगा। श्याम लोही के इस कार्यक्रम के बाद अब यह दिशा दिखने लगी है कि शायद आरटीओ विभाग और ट्रैफिक विभाग मिलकर हेलमेट से संबंधित मुहिम जोरों से चलाने का सोच रहे हैं। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।